जब जिस्म में मुकम्मल इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जिसका वाहिद इलाज इंसुलिन है और इंसुलिन के इंजेक्शन की सूरत में दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मदीहा नज़र है और मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट बैठती हूँ। इसके अलावा मैं हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स सैदपुर रोड रावलपिंडी में भी बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट बैठती हूँ। आज मैं आपसे ख़ास बात करना चाहूँगी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो हर साल नवंबर में मनाया जाता है और इसका मकसद यही होता है कि शुगर के मरीज़ों को या डायबिटीज़ के मरीज़ों को डायबिटीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया जा सके। और इस सिलसिले में आज जिस सवाल का मैं जवाब आपको देना चाहूँगी वो ये है कि डायबिटीज़ की कितनी अकसाम हैं। डायबिटीज़ की जो हमें दो, अगर हम आम लोगों से बात करें तो वो सिर्फ दो अकसाम के बारे में जानते हैं, इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 है। इसके अलावा मुख्तलिफ दवाइयों की वजह से भी बाज़ औक़ात डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से शुगर का मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसके अलावा कुछ डायबिटीज़ ऐसी हैं जो कि छोटे बच्चों में उनकी पैदाइश के बाद ही हो जाती हैं, क्योंकि वो मौरूसानी होती हैं या जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि हम जब शुगर का मरीज़ को शुगर होती क्यों है। हमारे जिस्म में एक ख़ास हिस्सा होता है जिसको पैनक्रियाज या लबलबा कहा जाता है। शुगर के मरीज़ों में लबलबा अपना काम करना कम कर देता है और बाज़ औक़ात वो मुकम्मल तौर पर इंसुलिन बनाना जो उसका काम होता है वो ख़त्म कर देता है। जब जिस्म में मुकम्मल इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जिसका वाहिद इलाज इंसुलिन है और इंसुलिन के इंजेक्शन की सूरत में दी जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें पैनक्रियाज या लबलबा कुछ हद तक अपना काम करना ख़त्म कर देता है, लेकिन इंसुलिन जिस्म में बन भी रही होती है और मौजूद भी होती है, मगर इंसुलिन का असर जो है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये दो अकसाम मेन टाइप्स हैं डायबिटीज़ की और दोनों का इलाज जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। टाइप 1 में हम इंसुलिन से शुरू करते हैं और टाइप 2 में हम दवाइयों से शुरू करते हैं, और किसी भी स्टेज पर इंसुलिन जो है वो ऐड की जा सकती है अगर मरीज़ का शुगर का कंट्रोल जो है वो टारगेट रेंज में नहीं है। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि जितना जल्द हो सके अपने मालिक से रابطہ करें अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका।